हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी आई फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, आई टी आई एग्ज़ाम्स और आई टी आई जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर मैं आप सभी तक पहुँचाते रहता हूँ। तो गाइज यार, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आई टी आई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोज़ रेगुलर आप लोगों को मिलते रहें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइज आई टी आई सी बी टी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, आई टी आई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला जो सब्जेक्ट है आपका, उसका एक चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमिता कौशल। इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज ये जो चैप्टर है, ये आई टी आई फर्स्ट ईयर और आई टी आई सेकेंड ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में केवल ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपके सी बी टी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी मतलब एक सफल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसको हम बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, राइट। होने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है, उसके लिए एक सफल अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए क्या पहलू ज़रूरी है, ठीक है। तो गाइज उसके लिए जो है एक उद्यमी मानसिकता रखना, ठीक है, हैविंग ए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, मतलब आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट वो आपका उद्यमी के जैसा होना चाहिए, बिजनेसमैन के जैसा होना चाहिए। गाइज यदि आप लोग भी बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपका माइंडसेट जो है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो बिजनेसमैन के जैसा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी भी बिजनेस में सफल हो सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जानना कि आप किससे में अच्छे हैं, आपको किस में सुधार की आवश्यकता है, इसको बोलते हैं गाइस सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस में आप अच्छे हैं, किस में आपको सुधार की आवश्यकता है, इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में ध्यान से सोचकर का गुण है, खुद निर्णय लेना, उसको बोलते हैं गाइस इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना। स्वयं निर्णय लेना मतलब स्वतंत्र निर्णय लेना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक प्रोटोटाइप क्या है गाइस, प्रोटोटाइप जो है वो फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है। कोई भी आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया या फिर कोई भी सर्विस आपने स्टार्ट की, उसका पहला संस्करण जो है, पहला उत्पाद, उसी को बोलते हैं गाइस प्रोटोटाइप, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। प्रभावी ढंग से नेटवर्क, नेटवर्क बनाना है आपको, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ना है, तो उसके लिए इफेक्टिव नियम क्या है, राइट। उसके लिए क्या होगा यार, उसके लिए कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स, जितने भी आपके संपर्क में लोग हैं उन सबके संपर्क में बने रहें, संपर्क में रहें, जो भी आपके संपर्क कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबके संपर्क में बने रहें, तो इससे क्या होगा, नेटवर्क अच्छा बना रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग क्या है गाइस, नेटवर्किंग है अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, अन्य व्यवसाय या ग्राहकों के साथ संबंध बनाना ही क्या है, नेटवर्किंग है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक टैगलाइन है। टैगलाइन क्या होते हैं गाइस, किसी भी आपने देखा होगा, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी है, तो वो क्या करती है, एक टैगलाइन रखती है, टैगलाइन, राइट, उसको बोलते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, आपके व्यवसाय का विवरण, डिस्क्रिप्शन लाइन उसको बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन है ना, व्यवसाय का शॉर्ट में विवरण, उसी को बोलते हैं हम टैगलाइन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि आप लोगों को अपने अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिव देम योर बिजनेस कार्ड, उनको बिजनेस कार्ड दें, ठीक है, बिजनेस कार्ड दे दें उनको, ठीक है। आप अपने बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में बताना चाह रहे हो, किसी को प्रासंगिक जानकारी देना चाह रहे हो आसान तरीके से, तो इसका बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, इन ऑप्शन में से उनको अपना बिजनेस कार्ड दें, ठीक है, बिजनेस कार्ड दे दें, राइट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिता ने अपने सिर्फ व्यवसाय के लिए, अनिता ने अपने सिर्फ व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया, तो उसने क्या किया, ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट की, इंस्टाग्राम पेज बनाया, तो इसका मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग उसने स्टार्ट की। मानव संसाधन है, मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज,
गाइज योर स्टाफ एम्प्लॉयज़ ये सब क्या है, मानव संसाधन में आते हैं। अदर हेल्पर्स कर्मचारी जितने भी लोग हैं वो सब किस में आते हैं, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस HR में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है, निम्न में से कौन सा संसाधन नहीं है। आसानी से आप लोग जो है इसका आंसर बता सकते हो, आपका बिस्तर देखो कच्चा माल संसाधन है, ग्राहक डेटाबेस संसाधन है, अर्जित लाभ क्या है संसाधन है, आपका बिस्तर योर बेड ये क्या है संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और खुद पर भरोसा होता है तो आपके पास क्या है, खुद के ऊपर विश्वास है, इट मीन्स आप बिलीफ इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास है। और क्यों ना गाइज, अपने आप के ऊपर विश्वास होना भी चाहिए, खुद के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप हमेशा सीखोगे, ज़िंदगी भर सीखोगे यदि आप क्या हो, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को जोड़ते रहें, नॉलेज को जोड़ते रहें। अगर हम अपने ज्ञान को जोड़ते रहें तो आजीवन हम सीखते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है, आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से आजीवन हमेशा जो है शिक्षार्थी बनोगे, कब बनोगे, एक बेहतर निर्णय निर्माता बनना, इसके लिए क्या होगा, बिकमिंग अ बेटर डिसीजन मेकर, राइट। आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभ, आजीवन अगर आप हमेशा सीखते रहते हो, शिक्षार्थी बने हुए हो, सीखने की आपके अंदर जो इच्छा है तो आप एक बढ़िया डिसीजन ले सकते हो, राइट। हमेशा सीखने की कला है आपके अंदर, अगर आप चाहते हो, आपका मन ऐसा कहता है कि यार मैं हमेशा ही सीखता रहूँ, तो आप सही समय पर अच्छे अच्छे निर्णय भी ले सकते हो, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गाइस जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब आवेदन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरिकुलम विटाई, गाइस काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, CV कैरिकुलम विटाई ऑल्सो नॉन एज कैरिकुलम विटाई, रिज्यूम को ही कहते हैं गाइस, जो रिज्यूम है उसी को हम कैरिकुलम विटाई भी कहते हैं, राइट। CV को ही रिज्यूम, बायोडाटा भी कहते हैं इसको, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिज्यूम होना चाहिए, एक रिज्यूम जो है वो कैसा होना चाहिए गाइस, वो होना चाहिए संक्षिप्त एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त एवं सटीक, बिल्कुल छोटा और सटीक होना चाहिए, सटीक इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ता है कहलाता है, स्टार्टिंग से जो जुड़ेगा ना किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में, उसे हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, क्या कहेंगे गाइस, एंटरप्रेन्योर। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है, स्टार्टिंग से जुड़ा होता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। नेक्स्ट देखो, उद्यमिता को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, आ गया ना क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप को किस रूप में भी हम जान सकते हैं, उसको स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे स्वरोजगार या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से हम जानते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी एक उद्यमी दिमाग नहीं है, उद्यमी दिमाग कौन सा नहीं है, जोखिम न लेना, ये उद्यमी दिमाग नहीं है, आत्मविश्वास होता है, बिल्कुल सही है, स्वतंत्र निर्णय लेना, आत्म जागरूकता, ये तीन चीज़ें तो बढ़िया है, और ये नहीं है, जो रिस्क नहीं लेता ना वो एंटरप्रेन्योर कैसे हो सकता है, एंटरप्रेन्योर तो वही होता है जो रिस्क लेता है, ठीक है, टेकिंग रिस्क नॉट, ये लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह, टेकिंग नॉट रिस्क एक्चुअल में आता है ये, तो कौन सा एक उद्यमी दिमाग नहीं है, रिस्क ना लेना एक उद्यमी का दिमाग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है कहा जाता है, आपके अंदर अगर विश्वास है कि यार आपके सपने आप पूरे कर सकते हो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाइस सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गाइस ग्रीट, इसको क्या कहेंगे, ग्रीट, ठीक है, मतलब असफलता का सामना करने पर हार नहीं माने, उसी को हम ग्रीट कहते हैं, ग्रीट, राइट। नेक्स्ट देखो, किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है,
किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है, जहां आप अब देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची पा सकते हो। तो कौन सी वेबसाइट है गाइस? वो वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आइडिया, आइडिया बैंक। देखो यार, विचार, थॉट्स है ना, आइडियाज़, आइडियाज़ बोलते हो ना, आइडिया आपके पास में, क्या आइडिया, आइडिया बैंक। तो ये अभी आपको पता है प्रेजेंट समय में चल रहा है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप मतलब नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक आइडिया बैंक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा एक प्रमुख कौशल है, बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा एक प्रमुख कौशल है। तो बाजार सर्वे के लिए कौन सा है, संचार, कम्युनिकेशन। बाजार का आपको सर्वे करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन आपके पास बेहतरीन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। कम्युनिकेशन, संचार मतलब बातचीत करने का हुनर जो है वो काफ़ी अच्छा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले तीन महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। जब भी आप मार्केट का सर्वे कर रहे हो तो उस समय तीन ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न, ठीक है। लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न, तीन चीज़ें कौन सी है, सुनो, सीखो और निरीक्षण करो, ठीक है। सुनो, सीखो और निरीक्षण करो, तीन चीज़ें ऐसी है जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखो, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं। ऑप्शन डी, कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सा भी व्यवसाय हो, सब और सब किससे चलता है, कस्टमर से चलता है, ग्राहकों से चलता है, ठीक है। ग्राहक होंगे तो ही आपका बिजनेस अच्छे से दौड़ेगा, अच्छे से चलेगा, राइट। नेक्स्ट देखो, विच वन इज़ नॉट ए सोर्स टू रेज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेस, कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है, धन जुटाने का स्रोत कौन सा नहीं है, धन जुटाने का स्रोत। तो देखो गाइज यार, म्यूचुअल फंड में निवेश, यहाँ तो क्या है, निवेश कर रहे हैं अपन, ठीक है। ये फंड जुटाएगा थोड़ी, धन थोड़ी जुटाएगा, ये तो क्या है, एक तरीके नहीं इन्वेस्टमेंट हो गया ये तो, ठीक है। वापस जेब में से पैसा बाहर जाएगा, राइट। सरकारी ऋण, सर्कल फंडिंग, स्वित शोषण पोषण, ये चीज़ें तो क्या होगी, फंड मिलेगी, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो कौन सा व्यवसाय शुरू करने में धन जुटाने का स्रोत नहीं है, तो ये आएगा म्यूचुअल, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुँचने में मदद करेगा, पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुँचने में मदद करेगा। तो गाइस ये आएगा उद्योग आधार, क्या आएगा, उद्योग आधार, उद्योग आधार पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक उद्योग आधार बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, उद्योग आधार, राइट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उद्योग आधार से क्या होगा, जो भी सरकारी योजनाएँ हैं उन तक जो है हम आसानी से पहुँच सकते हैं, सरकारी योजनाओं का बेनिफिट हम ले सकते हैं, अगर हम बिजनेस जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं, सरकार से कोई रोक टोक जो है हमें उनका सामना नहीं करना पड़ता, तो उसके लिए उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना का गुण क्या कहलाता है। अभी क्वेश्चन आया था स्वयं निर्णय लेना, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट, स्वयं निर्णय लेना, निर्णय है ना, सेल्फ डिसीजन, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन या सेल्फ डिसीजन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रभावी ढंग से जो है नेटवर्क कब बनेगा, जब अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, जो भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनसे हम कॉन्टैक्ट में बने रहें। नेक्स्ट देखो, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी, अभी क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें, अपना विजिटिंग कार्ड उनको देना चाहिए, ठीक है, बिजनेस कार्ड। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है। टेक्नोलॉजी में आपको पता है बहुत ही तीव्र गति से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उससे क्या चेंज होगा, काम का भविष्य, फ्यूचर ऑफ वर्क। तो गाइज देखो यार, यहाँ पे आप सभी को अभी से समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में बहुत रैपिड चेंजेज आ रहे हैं, बहुत ही तीव्र गति से चेंजेज आ रहे हैं, तो आपका जो फ्यूचर है ना उसको सिक्योर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नॉलेज रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप फ्यूचर में आपका कैरियर बना पाओगे, राइट।
बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और समता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं। देखो यार, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी गुणवत्ता और समता को बनाए रखना है, हमें मेंटेन रखना है, तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल, टिकाऊ। सस्टेनेबल इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आपने देखा होगा पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो अभी भी पहले के जैसे की जैसे, सेम वही टेस्ट, सेम वही फ्लेवर, राइट। तो गुणवत्ता क्या है उसकी, बनी हुई है, मेंटेनिंग द क्वालिटी। क्वेश्चन बोल रहा है ना, मेंटेनिंग द क्वालिटी, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल। क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी को बनाए रखने का मतलब क्या है। सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स, सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो गाइज इसका मतलब है नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना। जैसे आप समझो कोई नदी है बिल्कुल स्वच्छ है, ठीक है, तो उसको स्वच्छ बना के रखना है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो गंदी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो उसको मतलब सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स ये हुआ कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसको बना के रखना है, राइट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 35, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए, आप अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए क्या होगा, गेट सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस आपको प्राप्त करने पड़ेंगे, अधिक कौशल स्किल्स प्राप्त करनी है तो उनकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, राइट। जैसे मान लो कोई सा भी छोटा डिप्लोमा हुआ, सर्टिफिकेट, राइट, ऐसा कोई छोटा कोर्स हुआ, तो उसके अंदर अधिक कौशल अगर आपको प्राप्त करना है तो वो कोर्स करना पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेशन मतलब उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप दिखा पाओगे कि देखो यार ये सर्टिफिकेट है मेरे पास, मतलब ये स्किल्स जो है मैंने प्राप्त की है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का भविष्य हमेशा के लिए किया जा रहा है। काम का भविष्य हमेशा के लिए किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, नवीनतम तकनीक का उपयोग करें। काम का भविष्य हमेशा के लिए किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवीनतम तकनीक का उपयोग करें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा। देखो यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। What will keep evolving thereby making jobs undergo changes, job के अंदर changes आएंगी, किसका विकास होगा जिससे jobs के अंदर changes आएंगे, तो technology का। जैसे जैसे technology develop होती जा रही है, काम करने का जो style है सब चीज़ें change होती जा रही है, तो option C इसका correct answer होगा। Next question देखो, question number 38, आपके career के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। आपके करियर के विकास, जो भी आपका करियर है उसके विकास और उसमें स्थिरता बनी रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है। बिल्ड न्यू स्किल्स, नए कौशल का निर्माण करें। आप लोग क्या करें गाइस, नए कौशल का निर्माण करें, न्यू स्किल्स बिल्डअप करें, तब जाके जो है आपका जो करियर है उसमें डेवलपमेंट होगा, उसमें सस्टेनेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी। अदरवाइज़ क्या होगा यार, मात खा जाओगे आप और दूसरे लोग जो हैं आपको डिस्प्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, वहाँ से भगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी स्किल्स को जो है बिल्डअप करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है। तो किस चीज़ ने बदला है, प्रौद्योगिकी ने बदला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन, कौन सा नहीं है, कौन सा धन का लेन देन नहीं है। तो गाइज यहाँ पे जो है कार्ड भुगतान है, नेट बैंकिंग है, पेटीएम भी है, समझौता एग्रीमेंट, ये कोई यार पैसे का लेन देन थोड़ी है समझौता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क सेल, जैसे तैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा, परिवर्तन से गुजरेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपना काम करने का तरीका भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना, उसको क्या कहते हैं, अभी आया था ना सस्टेनेबिलिटी कहते हैं उसको। कोई भी वस्तु है उसकी गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, राइट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से गाइस एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के मैंने आप लोगों को जो है 42 क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए हैं। काफ़ी बढ़िया ये क्वेश्चन से, अच्छे क्वेश्चन से, ITCVT एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए, सभी क्वेश्चन को रिविज़न कीजिए। कोशिश आपके पास में थोड़ा सा जो है पढ़ाई मेहनत करने का जज्बा है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लिख लिख कर पढ़ाई लर्न कीजिए।
तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स की रेगुलर अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।